हर रोज यहां ध्यान कर रहे हैं। हम ध्यान इसलिए करते हैं कि मन में शांति हो, धन में स्वस्थता हो, बुद्धि में सुविकास हो। तन मन बुद्धि एकाग्र हो जावे, आत्मा तक पहुंचे। तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा, यहां से शुरू करते हैं। तन से श्वास है, मन को काबू में ला लेते हैं, मन को पार करते हैं, बुद्धि के पास आ जाते हैं, बुद्धि तेज हो जाती है, आत्मा तक पहुंच जाते हैं, आत्मा से परमात्मा में छलांग लेते हैं। यह है रास्ता, हम सबका रास्ता है। तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा, यहां पहुंचने का है। ये अपना जिंदगी का मकसद है। जिंदगी के मकसद तक पहुंचना है, नहीं तो जिंदगी में क्या फायदा। कल नहीं परसों नहीं, आज ही अभी पहुंच जाना। यहां सब एक हो जाते हैं, यहां सब प्राणी कोटि एक ही हो जाते हैं। उस स्थिति में रहना चाहिए। पूरे प्राणी कोटि के साथ हम अपन भी है, हर एक पेड़ पौधे के साथ अपन भी है, अरे जंगली जानवर के साथ अपने भी है, पक्षी के साथ अपने भी है, उनको ये अलग नहीं है। ये प्रकृति में भाग है। हमारा पूरा जिंदगी सुधर गई, और अपन होते हुए अपने सारे आजू बाजू के लोग की जिंदगी सुधर गई। अगले 10 साल में सब कुछ हो जाता है। पूरा प्रपंच में एक ही ध्यान होगा, पिरामिड ध्यान हो। सभी लोग शाकाहारी बनेंगे, ये तो निश्चित है। अगले 10 साल में पूरे लकी पूरे लोग आ जाना चाहिए। 10 साल में खत्म, खेल खत्म। कहीं भी जानवर नहीं मारना चाहिए, नहीं मरना चाहिए, इंसान के हाथों में नहीं मरना चाहिए। वो स्वयं मर जाती तो ठीक है, कोई भी मछली पानी से निकाला नहीं जाएगा, मछली तो पानी में रहेगा। आप चाहे तो पानी में जा सकते हैं, उनसे खेल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें पानी में से निकालते क्या बात है। कितना अमानुष्य है। मछली पानी में से बाहर आए तो मर जाएगी, उसमें पानी में रहना दीजिए। किसी का हक नहीं बनती उसको खाने के लिए। हम ऐसा दिन मांग रहे हैं जहां कोई भी बंदा समंदर का मछली नहीं पकड़ेगा। आएगा ऐसा दिन? आएगा आएगा,
आना शुरू हो गया, वेरी गुड। और कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, दवा नहीं खाएगा। नो डॉक्टर नो मेडिसिन। आप आयुर्वेद लेना चाहिए तो लीजिए, बट नो एलोपैथी। समझ में आया? आयुर्वेदी आयुर्वेद आपका पूरा सहाय करेगा कोई प्रॉब्लम हो तो। आयुर्वेद प्लांट मेडिसिन, प्लस मेडिटेशन, प्लस पिरामिड एनर्जी आपको काफी है।